आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र उबाटा शिवसेना के आमदार है, नेता है, आए दिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी है। वैसे किसी के बारे में अपशब्द निकलना मुझे कभी अच्छा नहीं लगते हैं और ना ही कभी मैंने निकले, लेकिन आदित्य ठाकरे हमारी शिवसेना के ऊपर और हमारी महायुती सरकार के ऊपर आए दिन आलोचना करने में लगे हुए रहते। कभी वो हमारे मुख्यमंत्री को असंवैधानिक मुख्यमंत्री कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि ये खोखे सरकार है, कभी ये कहते हैं कि आने वाले 31 दिसंबर को ये जो महायुति सरकार है वो गिर जाएगी। बस अलग अलग प्रकार के सपने वो देखते रहते हैं और इसी में वो व्यस्त रहते हैं। मैं ये जो ठाकरे है, आदित्य ठाकरे, उनसे ये आह्वान करता हूं मैं उन्हें कि आने वाले 31 दिसंबर के बाद भी और 2024 के बाद भी आगे आने वाले 5 साल ये सरकार बनी रहेगी, और अगर 31 दिसंबर को हमारी सरकार बनी रही तो आपको इमीडिएट आपके आमदार की का राजीनामा देना होगा। क्या आपको ये स्वीकार है?